फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई है और कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक प्रतिबंधों के चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित NCR के शहरों में लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें। NH-44 से हरियाणा जाने वाले और भोपुरा बॉर्डर तक पहुंचने वाले वाहन लोनी भोपुरा रोड, कोयल इनक्लेव, थाना टीला मोड़, लोनी, मंडोला, मसूरी, खेकड़ा से यूटर्न लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बाएं मुड़कर रायगढ़ तक पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाला यातायात महाराजपुर बॉर्डर के पास से प्रवेश कर सकता है। गाजियाबाद से दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली की ओर आने वाला यातायात खोड़ा कॉलोनी, मयूर विहार फेज 3 से मयूर विहार होते हुए भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। दिल्ली से आने वाला और गाजीपुर सीमा के माध्यम से गाजियाबाद जाने वाला यातायात या तो अक्षरधाम मंदिर के सामने पुष्टा रोड या पटपड़गंज रोड, मदर डेरी रोड या चौधरी चरण सिंह मार्ग ISBT आनंद विहार से ले सकता है और यूपी गाजियाबाद में महाराजपुर या अप्सरा सीमा से बाहर निकल सकता है। NH-44 पर हरियाणा जाने वाले और अप्सरा बॉर्डर महाराजपुर बॉर्डर तक पहुंचने वाले वाहन डाबर चौक, मोहन नगर, गाजियाबाद, हापुड़ रोड, GT रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उपयोग करें। दासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर बाएं मुड़ सकते हैं। NH-44 पर हरियाणा जाने वाले और लोनी बॉर्डर तक पहुंचने वाले वाहन इंद्रपुरी, लोनी, पूजा पावी, पंचलोक, मंडोला, मसूरी, खेकड़ा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से रायकट NH-44 की ओर मुड़ सकते हैं। सिंगू बॉर्डर से आगे NH-44 को आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। NH-44 से सोनीपत, पानीपत की ओर जाने वाली अन्य जुड़ी हुई सड़कें भी प्रभावित है। गाजीपुर बॉर्डर पर NH-9 की 2 लेन और NH-24 की 1 लेन आम जनता के लिए खुली है। ऐसे में यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले ही बनाएं और विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान इन हिस्सों में जाने से बचें।